महाराज एक नई रिवायत से हमारा बात शुरू करते हैं। वो रिवायत ये होगी कि सर आप मुझे दरमियान में ना टोकेंगे हसबे रिवायत, और मैं अपनी बात जल्द मुकम्मल कर जाऊंगा। सर बोले जी, आपको पूरा मौका है। जनाब वाला बीच में ये लाए थे शब्बर जैदी, ये कहां गया सर? ये गब्बर से डर गया। जनाब यारी शुरू कहां से हुए? चंदे से। वो जी पार्टी बनानी, अस्पताल बनाना है, चंदा दो। पार्टी बनानी है, चंदा दो। जलसा करना है, चंदा दो। धरना देना है, चंदा दो। अब हुकूमत मिल गई है, चलानी है, चंदा दो। डैम बनाना है, चंदा दो। कोरोना आ गया है, कितना चंदा दो। वो खुदा की कसम, सारी जिंदगी ईदी को लोगों ने पैसे दिए, इसने उससे भी चंदा ले लिया। ऐसा जालिम आदमी है, उससे कोई नहीं ले सकता था। और उसके बेटे को पहचाना भी नहीं उसने ईदी से, पूरी दुनिया ने ईदी को दिया है, इसने उससे भी ले लिया। उसके बेटे को पहचाना भी नहीं, वो गरीब को कोरोना हो गया गम से। अल्लाह उसको सेहत दे, सारे कोरोना के मरीजों को सेहत दे। वो कहता है यार मेरे से मुझे पहचाना भी नहीं, मेरे से 2 करोड़ ले दिए। जो ईदी से ले ले उससे अल्लाह बचाए भाई, खुदा के सारा है। आपसे रिकवर कुछ होना नहीं है, पिछली बार भी आपसे नहीं हुआ। आपका टारगेट था 5,550, जो आपने रिफंड रोक कर भी 3,900 से आप आगे नहीं गए, और अब आपने जो है अपना टारगेट और हाई सेट कर लिया है। तो जो काम आप पहले नहीं कर सके वो अब आप कहां कहेंगे? आप ये भी तो माने कि टैक्स पेयर आपके जमाने में कम हो रहे हैं। लोग आपको चोर समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, आपके पास टैक्स भरने को राजी नहीं। के पीछे क्या होता रहा और आज पाकिस्तान यहां क्यों खड़ा है? सर पाकिस्तान को तबाह करने वाली चीजें मेरे होश संभालने के बाद, अफगान वार, जियाउल हक, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी, गैर जमाती इंतखाबात, लगारी साहब का गैर कानूनी तौर पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डिसमिस करना, मुशर्रफ का कू, 92 का वर्ल्ड कप, इलेक्शन 2018, ये हमारी तबाही का बाय। ये तो सारी चीजें हमारी तबाही का बायस है, और अभी जद्दी दिल के नतायज आना बाकी है। अभी जद्दी दिल के नतायज आना बाकी है। और अब तो सर कोविड की भी 19 शिक्षा हो गई है, अब क्या करें? हम तो एक से परेशान थे, कोविड-19 मतलब 19 शिक्षा। सर जो 12 मौसम हो सकते हैं, बात सही है, और लाइट से तेज ट्रेन हो सकती है, तो कोविड को भी जान दो, कैसा 19 होने दो, उसकी भी किस्में 19 ही रख देते, मान लिया ना। अभी सर बनी गाला ये वो है जो कहते थे दीवार के पीछे देखता है इमरान, वो बनी गाला में लोगों ने कपड़ा बदलना बंद कर दिया, बोला ऐसा नहीं दीवार के पीछे से देख ले। वो खुदा के बंदो कोई अच्छी बात करो, तुम तो धरपड़ता उन्हीं के लोग हो, तुम्हें क्या है? और ये शुरू में जब आए ना तो कहते थे कि हम तो भी ये नहीं लेंगे प्रोटोकॉल, अब वो दिल के अरमान जो नहींगे। खुदा की कसम मैंने इनके एक वजीर का प्रोटोकॉल देखा कराची में, नईमुल हक साहब के जनाजे पे। मैं काफी देर तक ये समझता रहा अमेरिकी सजा आएगा, जब गाड़ी खोली तो वो निकला अंदर से। मैंने कहा ये प्रोटोकॉल तो ट्रंप का भी नहीं होगा, 25-25 गाड़ियां आगे, 25 पीछे, बीच में बंदूक बरदार। ओ भाई किससे लड़ने जा रहे हो? किससे? पाकिस्तान से तो दहशतगर्दी खत्म हो गई, और जो थे भी वो भी हमारे दुश्मन थे, तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हें क्यों जरूरत है? अब कुत्ते की वैक्सीन, ये भी एक बड़ा मसला है, समझा समझा के थक गए। ओ भाई वो आपके यहां बनती है, वफाक में बनती है, हम पैसे दे चुके हैं, रसीदें दिखाने को तैयार हैं, हमें दे दो, हम उन कुत्तों को भी लगा देंगे, आप बोलोगे आपको भी लगा देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है।